इस युद्ध ने भारत में मौजूद यूरोपीय कंपनियों को संदेश दिया, लिख लो, मुगल बादशाह की हार, मुगल बादशाह की हार ने यूरोपीय कंपनियों को यह संदेश दिया कि द बॉस ऑफ दिस कंट्री इज डेड। मुगल बादशाह की हार ने यूरोपीय कंपनियों को यह संदेश दिया कि द बॉस ऑफ दिस कंट्री इज डेड, कि इस देश का मुखिया मर चुका है। द बॉस ऑफ दिस कंट्री इज डेड। दिस बिकेम एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी शब्द को अंडरलाइन करो, अवसर। दिस बिकेम एन अपॉर्चुनिटी। दिस बिकेम एन अपॉर्चुनिटी। For European companies, this became an opportunity for European companies to stand up for their dreams. This became the opportunity for European companies to stand up for their dreams. That is political dominancy of Indian subcontinent. That is political dominancy. Rajneetik prabhutva. Kis par? Bhartiya upmahadeep par. This became an opportunity for European companies to stand up for their dreams. That is political dominancy on Indian subcontinent. India nahi likhoge. Abhi India nation nahi hai. जब भी लिखोगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट लिखोगे, भारतीय उपमहाद्वीप। अब इसमें मेन कंटेंडर कौन है, इसमें मेन ठेकेदार कौन है? पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश। ये चार ठेकेदार हैं, ये चार टेंडर डालने आए इंडिया के लिए कि साहब हम कब्जा करेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों के साथ मैरिज अलायंस कर लिया, वैवाहिक संबंध। कैथरीन बर्गेंजा, पोर्चुगीज ने अंग्रेजों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, मैरिज अलायंस, और बंबई को डाउरी में दे दिया अंग्रेजों को, इलाका हमारा, और दहेज में दे रहे हैं पुर्तगाली। ये गेम से बाहर हो गए, ये गेम से बाहर हो गए। बोले साहब हम लोग व्यापार करेंगे, हम इस टेंडर में नहीं, हमें टेंडर ले लो, गिट्टी उट्टी डालने का काम हमको दे देना, तुम कब्जा कर लो, तुम टेंडर ले लो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सड़क का, उसमें जो गिट्टी डालने का ठेका है वो हमको दे देना। पुर्तगाली गेम से बाहर। कौन सा अलायंस किया? मैरिज अलायंस। कैथरीन बर्गेंजा, अंग्रेजों को दहेज में क्या दिया? मुंबई का पोर्ट। इन्होंने स्ट्रेटेजिकल अलायंस कर लिया, सामरिक समझौता, स्ट्रैटेजिकल अलायंस। डचों ने स्ट्रैटेजिकल अलायंस कर लिया, सामरिक समझौता। इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि साहब ऐसा करो, हमको तुम साउथ ईस्ट एशिया दे दो, मसाले का द्वीप, स्पाइस आइलैंड, हम भारत पे अपना दावा छोड़ देंगे, हमको मसालों का द्वीप दे दो। मसालों का द्वीप यानी साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, और हम अपना दावा भारत पे छोड़ देंगे। यह भी गेम से बाहर हो गए, ये दो गेम से बाहर हो गए। एक ने वैवाहिक समझौता किया, दूसरे ने सामरिक। लिख लो, दो लोग गेम से बाहर, कौन कौन? पुर्तगाली और डच। ये दो लोग गेम से बाहर हो गए। पुर्तगालियों ने वैवाहिक समझौता किया, मैरिज अलायंस, बंबई को दहेज में दे दिया, और डचों ने स्ट्रेटजिकल अलायंस, और स्पाइस आइलैंड के बदले भारत पर अपना दावा छोड़ दिया कि तुम लोग भारत अपने पास रखो, हमें स्पाइस आइलैंड दे दो, मसाले का द्वीप दे दो। अब इनसे दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। तो जब समझौता नहीं होगा तो युद्ध होगा, और इसका परिणाम रहा एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। लिखो।